हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू थम्स अप व्लॉग्स। तो आज मैं फिर से नए व्लॉग्स लेकर आया हूँ गाइस। तो आज का मेरा व्लॉग्स है कि चाय बगान में कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको सुन के हैरानी होगी। तो मैंने इससे आगे व्लॉग में बताया था कि चाय बगान में 1 kg चाय का 1,24,000 तक पड़ता है और ये इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव चाय है। दार्जिलिंग के चाय बागानों से ही बनता है और कैसे बनता है मैं दिखाया, मगर यहाँ पे कई ऐसे फैक्ट है जो आपको अभी तक मालूम नहीं होगा। और फैक्ट सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ वर्कर के वेजेस। तो वर्कर के वेजेस यहाँ पे खाली 250 मिलता है और 250 में भी 8 घंटा काम करना पड़ता है और 8 घंटे में 9 kg पत्ती तोड़ना पड़ता है। 9 kg पत्ती दिन में नहीं तोड़ा तो उसी के हिसाब से एवरेज से उसका हाजिरी भी कटता है। कई बार तो 200 तक भी मिल जाता है और 200, 180, 190 तक भी मिल जाता है। तो इतना महंगा चाय और 8 घंटा काम करके 100, 200, 250 तक ही मिलता है। तो ये होता है दार्जिलिंग चाय बागान में काम करने वाला श्रमिक का समस्या। और ये है इंडिया का सबसे महंगा चाय, ऐसे बनता है इंडिया का सबसे महंगा चाय। और यहाँ का समस्या एक ही नहीं, कई सारे हैं। और यहाँ पे जैसे कि सब चाय फॉरेन एक्सपोर्ट होता है तो कई सारे बगानों में 50,000 से 70-1 लाख तक चाय बनता है और आप खाली 2,000 व 1,000 के अनुमान से ही 50,000 चाय का आप अनुमान लगाए तो 10 करोड़ से ज़्यादा होता है एक बगान का चाय। मतलब आप और एवरेज हिसाब से 300 वर्कर आपके अंडर काम कर रहा है और आपने हिसाब लगाया तो एक बरस का इवन यहाँ का मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर उसका सैलरी होता है 1 लाख से 2 लाख और सब मिला के भी आप खर्चा निकाले तो 3 से 4 करोड़ होता है। और तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट है, फिर भी यहाँ पे वर्कर का समस्या कभी सॉल्व ही नहीं होता है। जैसे कि मिनिमम वेजेस और उसके बाद बोनस, ग्रेजुटी, तो कई सारे ऐसा चीज़ें जो मालिकों को श्रमिक को देना है, फिर भी वो लोग वो टाइम पे सब कुछ नहीं देता है क्योंकि वो लोग यहाँ से कमाते और दूसरे जगह के इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद एक बगान से कई सारे बगान वो लोग खरीद लेता है और वो पैसा दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मालिक ऐसे होता है कि पैसे से वो पैसे कमाते जाता है, वर्कर लोग इससे अवस्था में पहुँच जाता है कि वो लोग को जैसे कि बेसिक नीड भी खरीदने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि वर्कर को वर्कर के घर कैसे है। तो ये है वर्कर के घर और ये है जो इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव चाय का ब्लॉक करता है और उसका घर देखिए वो कैसे घर में रहते हैं। और फिर भी ये सब होते हुए भी मालिक लोग बीमारी के टाइम पे इवन वो लोग को एक गाड़ी भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। कई सारे ऐसे बीमारी होता है वो लोग को सीक नहीं देते हैं। और गार्डन में क्या करते हैं कि प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 ये फॉलो होता है। ये लॉ स्टेट गवर्नमेंट में एक स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है कि प्लांटेशन का जितना प्लांटेशन में जितना भी आता है ये लोग को ये प्लांटेशन लेबर एक्ट अंडर ये लॉ के अंडर आता है। मगर इसमें कई सारे ऐसे सुविधाओं का बात किया है, फिर भी वो सब फैसिलिटी बगान में नहीं होता। बगान में अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन होता है। तो कब होगा मिनिमम वेजेस और कब ये हमारा जैसे एक ये घर देख सकते हैं आप, ये श्रमिकों का घर है जो नई मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है, ये लोग कैसे रह रहे हैं। और ये 60 ईयर्स हो चुका है फिर भी काम करना ही पड़ता है क्योंकि पेंशन भी 2,000 रुपये मिलता है और उसके बाद ग्रेजुटी पेंशन सब मिला के 3 से 4 लाख ही मिलता है। वो 3-4 लाख में अभी क्या होता है।
तो ना बच्चे को पढ़ाना है, कई सारी समस्या लेके ये लोग जी रहे हैं, फिर भी बताने के लिए कोई भी नहीं है, सुनने के लिए कोई नहीं है। गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देता है, उसके बाद मालिक भी ध्यान नहीं देता है, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो कब ये सब समस्या सॉल्व होगा ये किसी को भी मालूम नहीं। और आशा करते हैं कि हमारा मिनिमम वेजेस हो जाए अच्छा से, फिर से चाय बगान में काम करने को मन करे, बस ये आशा लेके हम लोग अभी चाय बगान में वर्कर लोग काम करें।